हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में हम वेक्टर कैलकुलस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला सेटअप काफ़ी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के डेरिवेशन में यूज़ होता है। आपको कोई फंक्शन दिया गया है जिसमें इनपुट वेक्टर है बेसिकली, और आपको उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेक्टर करने के लिए पूछा गया है। तो सपोज जैसे कि जिन्होंने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है उनको अगर याद हो तो लीनियर रिग्रेशन का कुछ सेटअप ऐसा है कि लीनियर रिग्रेशन सेटअप में जो हमारे पास इनपुट है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, और कुछ इनपुट का कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट इनपुट के करस्पॉन्डिंग रहती है, सपोज x11, x12, अप टू x1d, सपोज मैट्रिक्स का डायमेंशन d है। तो फॉर अ सिंपलिसिटी एज्यूम करते हैं कि हम जो लीनियर फंक्शन लर्न करना चाहते हैं उसमें कांस्टेंट नहीं है, अदरवाइज उसमें हम एक ऑक्सिलरी टर्म भी जोड़ देते हैं, पर फॉर नाउ एज्यूम करते हैं कि हमें कांस्टेंट टर्म लर्न नहीं करना है। तो उस केस में हम गिवन इनपुट उसको हम एज अ रो ऑफ सर्टेन मैट्रिक्स जिसे हम बेसिकली कैपिटल एक्स बोलते हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में आईथ रो क्या होगी? आईथ रो विल बी वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इनपुट आई। तो ऐसे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, सपोज हमारे पास एन इनपुट डेटा है, तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हुआ? एन रोज होगी और डी कॉलम होगी, और बेसिकली जो आउटपुट है मतलब कि जो टारगेट वेरिएबल है वाई, हम भी उसको भी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो y1, y2, अप टू हमारे पास एन है तो yn और उसका ट्रांसपोज, तो हम कैपिटल वाई को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें लर्न क्या करना है? हम लर्न करते हैं w फॉर बाय लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, जो स्मॉल w1 अगर मैं बोलूँ, अप टू कितने w होंगे? d डायमेंशन है तो अप टू wd होता है। तो अल्टीमेटली हम पूरे प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि एक्स टाइम्स जो w है वो अप्रोक्सीमेटली y आए, तो कुछ ऐसा लॉस हम चाहते हैं कि एक्स टाइम्स डब्ल्यू गेट वी वॉन्ट अप्रोक्सीमेटली वाई। तो अगर हम इसका नॉर्म निकाले, नॉर्म आता है एक्स डब्ल्यू माइनस वाई उसका नॉर्म, और स्क्वायर एरर के लिए हम उसको स्क्वायर भी करते हैं। तो ये इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अगर याद हो तो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स जो है ये मैट्रिक्स है और डब्ल्यू वेक्टर है और वाई भी वेक्टर है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू हम पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में वेक्टर कैलकुलस और स्पेसिफिकली वेक्टर डिफरेंशिएशन का बहुत यूज़ होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में। तो इस वीडियो में उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले ग्रेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज आपके पास गिवन अ फंक्शन है ना, गिवन अ फंक्शन विच इज लेट से एफ विच इज आर टू दी पावर डी टू आर, उसका डोमेन है आर टू दी डी, ये डोमेन है और उसकी रेंज है आर। तो ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर द इनपुट, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे इनपुट डी डायमेंशनल है। तो उसे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके डी वेरिएबल होंगे, तो सारे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कुछ पार्शियल डेरिवेशन आएगा, और सारे पार्शियल डेरिवेशन को हम बेसिकली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा ग्रेड ऑफ एफ हम बेसिकली उसको ऐसे एक कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें फर्स्ट एंट्री आती है
पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनपुट, तो डेल एफ बाय डेल एक्स वन। सपोज मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि एफ इज़ फंक्शन समथिंग लाइक दैट, कि वो इनपुट लेता है एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स डी, है ना, और आउटपुट देता है सम रियल वैल्यू। तो फर्स्ट एंट्री इस वेक्टर की आएगी डेल एफ बाई डेल एक्स वन, सेकेंड एंट्री आती है डेल एफ बाई डेल एक्स टू, डेल एफ बाई डेल एक्स डी, क्योंकि डी है हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसमें तीन इनपुट वेरिएबल है। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज पहले कैलकुलेट कर देना है। तो एफ कहाँ से कहाँ जाता है, आप देखोगे कि आपको तीन इनपुट वेरिएबल दिए हैं, और सपोज़ यहाँ पे दिया नहीं गया, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि एक्स वन स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सारे आर पे है। तो ये फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हुआ, एफ गोज़ फ्रॉम आर टू द पावर थ्री, मतलब थ्री डायमेंशनल इनपुट वेक्टर देता है, ऐसा अज्यूम कर सकते हो, वो स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के फॉर्म में। तो फाइनल आउटपुट किस रेंज में देता है, फाइनल आउटपुट अगर देखोगे कि ये जो वैल्यू अल्टीमेटली आएगी वो आर में से आएगी, तो फाइनल आउटपुट देता है आर। तो इसका डोमेन हुआ आर टू द पावर थ्री और रेंज हुई आर। तो व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एफ। तो हमने लास्ट डिस्कस किया कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट इज नथिंग बट इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का नोशन है। तो पहला वाला ऑप्शन आप देखोगे कि वो तो बेसिकली आर में वैल्यू देता है, दिस बिलोंग्स टू आर, राइट। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। सिमिलरली थर्ड वाला भी आप देखो कि ये भी कुछ आर में वैल्यू देता है, तो ये भी गलत हो जाता है। अभी आप देखो कि डी और डी दोनों ही आर थ्री में वैल्यू देते हैं, और आप जो ग्रेडियंट निकालोगे वो भी आर थ्री में आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनपुट वेरिएबल्स। तो पहले तो मैं एफ लिख लेता हूँ नई स्लाइड में। एफ बेसिकली क्या फंक्शन है, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू क्यूब प्लस एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स थ्री क्यूब एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू क्यूब प्लस एक्स वन एक्स थ्री, तो ये फंक्शन है बेसिकली। और पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वन पार्शियल डेरिवेशन निकालते हैं। वो आता है फर्स्ट टर्म में, जब हम विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वन पार्शियल डेरिवेशन निकालेंगे तो एक्स टू और एक्स थ्री को कांस्टेंट अज्यूम कर देंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक्स थ्री भी कांस्टेंट है, तो इस वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेशन आएगा एक्स टू, इस वाली टर्म का आएगा ज़ीरो, और इस वाली टर्म में एक्स थ्री आएगा, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल एक्स टू निकाल देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू करेंगे तो एक्स वन को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, एक्स टू से डिफ्रेंशिएट कर माइनस थ्री एक्स टू स्क्वेयर ये वाली टर्म का, और यहाँ पे एक्स टू है नहीं तो ये वाली टर्म जीरो होगी, और डेल एफ बाय डेल एक्स थ्री क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री, ये वाली टर्म पहले जीरो आएगी, तो जीरो प्लस यहाँ पे भी एक्स थ्री है नहीं तो ये भी जीरो आएगा, अगेन जीरो प्लस एक्स वन। तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या मिलेगा,
एक्स टू प्लस एक्स थ्री फर्स्ट एंट्री, जो बेसिकली पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन है। दूसरा एंट्री है एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू स्क्वायर, और तीसरा एंट्री है एक्स वन। तो इस वाले ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? सेकंड वाला आंसर सही है, राइट? तो अभी एफ सपोज वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ होता तो हम ग्रेडियंट कैसे निकाल दें? तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन। इसमें आपको तीन इनपुट वेरिएबल है स्मॉल w1, w2, w3 R में से, और आपको एक वेक्टर बनाते हैं जो w1, w2, w3 से बनता है, x ट्रांसपोज, और एक y ट्रांसपोज वेक्टर दिया गया है जो बेसिकली कांस्टेंट है 5, 3, 2, और एक फंक्शन हम बनाते हैं विच इज़ नथिंग बट सिंपल फंक्शन x ट्रांसपोज y। तो आपको पूछा गया कि ग्रेडियंट ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू w क्या होगा। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिए, एक्चुअली मैं सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन से आपको ग्रेडियंट को कैसे विजुअलाइज और एनालाइज करना है वो समझाना चाहता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो ऑप्शन इतना मायने नहीं रखते। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि ये जो आपको इक्वेशन दिया है कैपिटल एक्स ट्रांसपोज वाई, उसको आप स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री फॉर्म में लेके आओ, और जो भी इक्वेशन आया उसका पार्शियल डेरिवेशन विद w1, w2 और w3 करो, और अल्टीमेटली फाइनल पार्शियल डेरिवेशंस को एक वेक्टर फॉर्म में लिखो। पर देखते हैं कि इसको हम किसी और तरीके से सोच सकते हैं क्या, कि ये जो f फंक्शन है जिसमें x वेक्टर इनपुट है, तो आप देखोगे कि इसमें जो कैपिटल X है वो W पे डिपेंडेंट है, या फिर ये जो कैपिटल X है उसको हम वेरिएबल है, और कैपिटल Y है वो कांस्टेंट है। तो इस सारे सेटअप को मैं सपोज सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन से कंपेयर करूं, तो इन जनरल टर्म्स सपोज आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया जो G फंक्शन है जो स्मॉल R से R में है, और दूसरे आपको दो फंक्शन दिए गए स्मॉल एल वन जो बेसिकली आर से आर में है, और स्मॉल एल टू वो भी आर से आर में है। तो सपोज मैं जी बनाता हूँ, जी ऑफ एक्स अगर एक्स इनपुट वेरिएबल है, तो एल वन ऑफ एक्स इंटू एल टू ऑफ एक्स, और मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछूँ, डी जी बाई डी एक्स। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन नहीं आएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो आप कैसे करोगे? तो आप मल्टीप्लिकेशन का रूल विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन आपको पता हो, तो पहले एक टर्म को कांस्टेंट अज्यूम करो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और प्लस दूसरी टर्म को कांस्टेंट अज्यूम करो और पहली टर्म से डिफरेंशिएट करो। तो ऐसा अगर हम करें तो सपोज एल वन ऑफ एक्स को मैं अज्यूम करता हूँ कांस्टेंट है फर्स्ट टाइम, और एल टू को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ऑफ एल टू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। सिमिलरली मैं एल टू को कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ एल टू ऑफ एक्स, और एल वन को डिफरेंशिएट करता हूँ एल वन डी बाई डी एल वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ऐसा इक्वेशन बनता है, राइट? अभी आप सिमिलर चीज़ को कंपेयर करो कि ये भी एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो इसको मैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से कुछ सिमिलरिटी खोज सकता हूँ क्या? तो पहले तो मैं लिखता हूँ कि x क्या है। x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्मॉल w1 w2 W3 ट्रांसपोज, अगेन f ऑफ x, और एक y भी है हमारे पास जो बेसिकली 5, 3, 2 उसका ट्रांसपोज। तो f ऑफ x क्या है? सिंपली x ट्रांसपोज y।
तो अभी मैं सेम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो सपोज़ मुझे ये निकालना है DF/DW। ये बेसिकली अब्यूज ऑफ नोटेशन मैं कर रहा हूँ, बेसिकली ये आइडियली ग्रेड होना चाहिए। पर सपोज़ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से कंपेरेबल रहने के लिए मैं ये अब्यूज ऑफ नोटेशन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट एक्स ट्रांसपोज का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो D/DW एक्स ट्रांसपोज। अगेन ये सॉर्ट ऑफ अब्यूज ऑफ नोटेशन है, पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखता हूँ। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया और दूसरे को कांस्टेंट अज्यूम करो, तो वाई को मैंने कांस्टेंट अज्यूम किया, और दूसरी बार एक्स ट्रांसपोज को कांस्टेंट अज्यूम करो और वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो अगर हम सिमिलरिटी से एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, राइट? तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्स ट्रांसपोज है वो एक वेक्टर है, तो उसकी जो रेंज है वो बेसिकली हमारे पास है, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3 है और रोज 1 है, तो ये 1 क्रॉस 3 का वेक्टर है। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करना है। मैं डब्ल्यू भी बेसिकली हम स्मॉल W1, W2, W3, ऑल ऑफ 3 से करना है। तो आप देखोगे कि एक्स ट्रांसपोज की जो एंट्रीज हैं, इंडिविजुअल एंट्रीज, उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि दे आर सम फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एक्स है मेरा वो कुछ W1, W2, W3 के 3 फंक्शन से बनता है। उसमें फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट फंक्शन G1, लेट से मैं उसको G1 नाम दूँ, स्मॉल W1, W2, W3। दूसरी एंट्री है बाय सम फंक्शन G2, W1, W2, W3। और तीसरी एंट्री है सम फंक्शन G3, वो भी बेसिकली W1, W2, W3 से बनता है। और G1, G2, G3 सारे की डोमेन क्या है, R2D3, और रेंज क्या है, क्योंकि ये तीनों फंक्शन सिंगल एंट्री देते हैं पूरे वेक्टर की, तो ये ट्रांसपोज है, तो इनकी रेंज होगी R R2D3 से R। और G1, G2, G3 क्या है, G1 ऑफ W1, W2, W3, वो बेसिकली G1 ऑफ W1, W2, W3, W1 देता है। सिमिलरली मैं G2 को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, वो सिर्फ W2 देगा और W1 और W3 को इग्नोर करेगा, और सिमिलरली G3। मैं यहाँ पे बहुत जनरल केस अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स की जो एंट्री है, मतलब कि फर्स्ट एंट्री, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ W1 पे डिपेंडेंट हो, तो मैं तीनों को इनपुट ले रहा हूँ, G2 सेकेंड एंट्री में भी तीनों को इनपुट ले रहा हूँ, थर्ड में भी तीनों को इनपुट ले रहा हूँ। तो बहुत जनरल केस अज्यूम करके हम इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सपोज मुझे सिंपल ये वाला एक्स चाहिए, तो आप ये वाले G1, G2, G3 के कॉम्बिनेशन रख लो। तो अभी मैं G1, G2, G3 को W से अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आता है, तो लेट्स से D/DW ऑफ G1। अगेन मैं थोड़ा सा अब्यूज ऑफ नोटेशन कर रहा हूँ, तो मैं पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल W1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ G1 विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल W2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेशन ऑफ G1 विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल W3 कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको पता है कि G1 सिंपल W1 फंक्शन है, तो G1 का विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेशन W1 आएगा, ये 2 0 आएंगे। तो मैं जब डिफरेंशिएशन ऑफ G1 विथ रिस्पेक्ट टू W की बात करूं तो मुझे 3 चीज़ें मिलती हैं, तो इन तीनों को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगेन। तो लेट्स से फर्स्ट एंट्री में पार्शियल डेरिवेशन ऑफ G1 विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल W1 लिखा,
पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी टू सॉरी जी वन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डब्ल्यू टू लिखा और पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी वन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डब्ल्यू थ्री लिखा। और सिमिलरली मैं जी टू और जी थ्री के लिए भी लिख सकता हूँ। तो हम बेसिकली इस टर्म में इंटरेस्टेड है। नोट कीजिए कि यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट है तो उसका डी बाई डी डब्ल्यू ये बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम फर्स्ट टर्म में ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो क्या आता है मैं लिख देता हूँ। बेसिकली डी एफ बाय डी डब्ल्यू कुछ ऐसा मिला मुझे। पहले मैं एक्स ट्रांसपोज बाय डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू और वाई को कांस्टेंट रखूँ और दूसरा टर्म ज़ीरो आ गया मुझे। तो अब देखो कि ये जो वेक्टर है वो किस में था, आर थ्री, एंड ईच एंट्री हमने अज्यूम क्या किया, ईच एंट्री इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। तो हर एक एंट्री स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री के फंक्शन है। तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन अगर आप इंट्यूटिवली सोचो तो क्या आना चाहिए। तो सोचो कि जैसे कि ये रहा हमारा एक्स ट्रांसपोज है ना, तो एक्स ट्रांसपोज हमारा फंक्शन बनता है जी वन जी टू जी थ्री है ना, और हर एक एंट्री का डिफरेंशिएशन करूँ तो बेसिकली मुझे तीन और टर्म मिलती है। तो फाइनल डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। एक्स ट्रांसपोज इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल जी वन जी टू जी थ्री एंड ऑल ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। और एक्स ट्रांसपोज का अगर डिफरेंशिएशन विथ डब्ल्यू करूँ तो सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी वन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डब्ल्यू वन ये एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें जीवन का पार्शियल डेरिवेशन लिखूंगा। तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जीवन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जीवन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जीवन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू थ्री, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी टू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी टू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी टू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू थ्री, सिमिलरली जी थ्री के लिए डब्ल्यू वन पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी थ्री विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जी थ्री विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू थ्री, है ना। तो मैं इसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप नोटिस करो कि एक्स ट्रांसपोज है वो बेसिकली रो वेक्टर है, एक रो और थ्री कॉलम का, और हमने ये जो डेरिवेटिव निकाला वो थ्री क्रॉस थ्री का बन गया क्योंकि इंडिविजुअल एंट्री जो थी हर एक एंट्री वो फंक्शन ऑफ स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री थी। हमारे एक्चुअल वाले प्रॉब्लम में ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आप देखोगे कि जी वन इज़ नथिंग बट डब्ल्यू वन, जी टू नथिंग बट डब्ल्यू टू, जी थ्री नथिंग बट डब्ल्यू थ्री, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होगी, ओनली डायगोनल विल बी वन। आप देखोगे ये जी वन डब्ल्यू वन है, जी टू डब्ल्यू टू है, जी थ्री डब्ल्यू थ्री है, तो ये मैट्रिक्स नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे ये वाले इक्वेशन में हम ये अगर डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फाइनल डी एफ बाई डी डब्ल्यू क्या मिलेगा हमें, डी एफ बाई डी डब्ल्यू इज नथिंग बट डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ कैपिटल एक्स ट्रांसपोज इन टू वाई। ये वाली टर्म तो ज़ीरो ही थी, तो ये वाली टर्म क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वाई क्या था, फाइव थ्री टू अगर आपको याद ना हो तो। हमें क्वेश्चन में वाई फाइव थ्री टू दिया गया है, तो अगर हम इसी को रिप्लेस करें तो फाइनल आउटपुट क्या आया, फाइव थ्री टू, ये ग्रेड आया।
इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये फंक्शन को बेसिकली हम स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री में ही एक्सपांड कर सकते थे, तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलता। तो एक बार करके देखते हैं कि सेम ही होता है क्या। तो बेसिकली एफ एक्स एक्स ट्रांसपोज वाई है, तो एफ ऑफ कैपिटल एक्स एक्स ट्रांसपोज वाई है, और एक्स हमें दिया गया है स्मॉल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, वाई है 5 3 2। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, 5 W1 प्लस 3 W2 प्लस 2 W3। ईजी टू सी है राइट। डेल एफ बाय डेल W1 क्या आएगा 5, डेल एफ बाय डेल W2 क्या आएगा 3, डेल एफ बाय डेल W3 क्या आएगा 2। तो 5 3 2 आया। हमने जो निकाला था वो क्या था, वो भी ग्रेड ऑफ एफ 5 3 2 ही था। तो ये सारी कैलकुलेशन इसलिए की क्योंकि जब वेक्टर वैल्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यानी कि ग्रेड निकालना है अगर आपको, तो उसको भी आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से कंपेयर कर पाओ। और हमने बहुत ही जनरल सेटिंग अज्यूम किया जहाँ पे ईच एंट्री इन द वेक्टर इट्सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट वेरिएबल्स जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइनल ग्रेड निकालना चाहते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी आपको W1, W2, W3 दिए है जो R में से है, और आपको एक वेक्टर दिया गया है और उसमें जो ईच एंट्री है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में एंट्रीज क्या थी, W1, W2 और W3। पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि हर एक एंट्री इज अ फंक्शन ऑफ W1, W2, W3। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो बहुत ही जनरल केस अज्यूम किया था वो यहाँ पे यूजफुल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले एंट्री W1 स्क्वायर है, सेकंड W2 प्लस W3 है, थर्ड W3 है। तो उस केस में आपको सेम फंक्शन दिया गया है fx x ट्रांसपोज y, और आपको ग्रेड ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू w निकालना है। तो आपको फाइनली चाहिए क्या, आपको फाइनली ग्रेड ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू w मतलब कि एक आपको वेक्टर चाहिए जिसमें आपको फर्स्ट एंट्री क्या आएगी डेल f बाय डेल w, सेकंड एंट्री क्या आएगी डेल f बाय डेल W2, और थर्ड एंट्री क्या आएगी डेल एफ बाई डेल W3। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने अप्रोच अपनाया था उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो क्या है बेसिकली, एफ फंक्शन है जिसमें एक्स इनपुट है, एक्स ट्रांसपोज वाई निकालना है। तो सपोज डी एफ बाय डी W निकालता हूँ मैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले डी बाय डी डब्ल्यू एक्स ट्रांसपोज निकालूंगा और वाई को कांस्टेंट रखूंगा, प्लस एक्स ट्रांसपोज को कांस्टेंट रखा और डी बाय डी डब्ल्यू वाई को निकाला। तो आपको पता है कि ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आप देखोगे कि वाई कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसको ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो अगेन एक्स ट्रांसपोज की ईच एंट्री इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल W1, W2, W3। तो फर्स्ट एंट्री को हम G1 फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, सेकंड एंट्री को हम G2 फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, और थर्ड को G3 अज्यूम कर लेते हैं। ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये फंक्शन भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि एंट्री आपको मिले W1 स्क्वायर पहला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन W2 प्लस W3, थर्ड फंक्शन W3। तो G1 इज इक्वल टू W1 स्क्वायर, G2 इज इक्वल टू W2 प्लस W3, है ना, W2 प्लस W3, और थर्ड फंक्शन है W3, और G3 अपने पास है W3। तो सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, ये वाले डिफरेंशिएशन को क्योंकि ईच एंट्री इज अ फंक्शन ऑफ W1, W2, W3 है, तो क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है वो बेसिकली 1 × 3 है, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जो 3 × 3 बन जाएगा।
सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है? फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगी? जीवन का पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। सो डेल जीवन, डेल डब्ल्यू वन, डेल जीवन, डेल डब्ल्यू टू, डेल जीवन, डेल डब्ल्यू थ्री। सेकंड कॉलम डेल जी टू, डेल डब्ल्यू वन, डेल जी टू, डेल डब्ल्यू टू, डेल जी टू, डेल डब्ल्यू थ्री, डेल जी थ्री, डेल डब्ल्यू वन, डेल जी थ्री, डेल डब्ल्यू टू, डेल जी थ्री, डेल डब्ल्यू थ्री, है ना? ये 3x3 मैट्रिक्स हमें मिला। और इस मैट्रिक्स को अगर हम भरने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? आपको पता है कि जी1, जी2 और जी3 फंक्शन को मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो जी1 फंक्शन बेसिकली क्या था? W1 स्क्वायर, G2 W2 प्लस W3, G3 W3। W1 स्क्वायर, G2 था W2 प्लस W3, G3 था W3, है ना? और सारे एंट्री को भरने की कोशिश करते हैं। तो डेल G1 डिवाइडेड बाय डेल W1, तो 2 टाइम्स W1 आएगा फर्स्ट एंट्री। डेल जी वन बाई डेल डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू की एंट्री 0 है, सिमिलरली डब्ल्यू थ्री की एंट्री भी 0 है। ये वाली कॉलम में डेल जी टू बाई डेल डी वन, वो 0 है। डेल जी टू बाई डेल डी टू, वो 1 आएगा। सिमिलरली डेल जी टू बाई डेल डब्ल्यू थ्री, वो भी 1 आएगा। यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू थ्री है, तो W1 और W2 0 0 आएंगे और लास्ट वाला 1 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मिला उसको ये वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन क्या था? df बाय dw इज नथिंग बट d बाय dw ऑफ x ट्रांसपोज, जो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट किया, और y सेकेंडरी एंट्री 0 आती है। तो ये मैट्रिक्स क्या था लिख लेता हूँ। 2W1 0 1 1 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। 2W1 0 1 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमने निकाला। और वाई क्या था? वाई अगर आपको याद हो तो 5 3 2, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। तो वाई बेसिकली कॉलम वेक्टर है 5 3 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर देते हैं। ये वाली रो, ये वाली कॉलम से डॉट प्रोडक्ट जाएगा, वो फर्स्ट एंट्री है। 2W1 × 5, दैट मीन्स 10 टाइम्स W1। सेकेंड वाली रो में सिर्फ 3, और थर्ड वाली रो में 3 प्लस 2, दैट इज 5। तो ये हमें ग्रेड ऑफ एफ मिला। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है, अगर हम उसको W1 W2 W3 में एक्सपांड करें और फिर ग्रेड निकालें, तो सेम आता है कि नहीं? तो एक्स क्या है बेसिकली? एक्स ट्रांसपोज है मेरे पास W1 स्क्वायर, W2 प्लस W3 और W3। वाई क्या दिया गया है? 5 3 2 का ट्रांसपोज। अभी Fx है मेरे पास एक्स ट्रांसपोज वाई, इसको मैं एक्सपांड करूँ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को। W1 स्क्वायर, W2 प्लस W3, W3, ये कॉलम वेक्टर बन जाएगा 5 3 2। डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, 5 टाइम्स W1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स W2 प्लस W3 प्लस 2 टाइम्स W3। तो एफ ऑफ स्मॉल W1 W2 W3 क्या आता है? 5 टाइम्स W1 स्क्वायर, 3W2 प्लस 3 टाइम्स W2 और 3 टाइम्स W3 प्लस 2 टाइम्स W3, 5 टाइम्स W3। तो इसका मैं पार्शियल डेरिवेशन ले लेता हूँ। तो डेल एफ बाय डेल W1 क्या आएगा? आप देखोगे कि फर्स्ट वाली टर्म ही W1 पे डिपेंडेंट है, बाकी दो टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो 10 टाइम्स W1 आएगा, राइट?
तो डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू वन 10 टाइम्स डब्ल्यू वन आया, डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू टू सिमिलरली हियर, ये वाली टर्म जो है वही डब्ल्यू टू पे डिपेंडेंट है, बाकी दो टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू 0 आएगा, तो वो आएगा 3 मेरे लिए, और डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू 3 5, तो उसका डिफरेंशिएशन आया 5। तो मुझे ग्रेड क्या मिला, ग्रेड ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, अगर मैं इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री में एक्सपांड करके निकालूँ तो ग्रेड मुझे मिला 10 टाइम्स डब्ल्यू वन 3 5। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये सेम है अगर हमने अर्लियर मेथड से ग्रेड निकाला हो तो ये पूरे एनालिसिस का मकसद वही था कि जब आपको फंक्शन दिया जाए जिसमें इनपुट वेक्टर हो और उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने के लिए दिया जाए, तो आप उसे एनालॉजिकली सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन से कंपेयर कैसे कर सकते हो, और वो जो वेक्टर है उसको भी हम बहुत ही जनरल फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी हर एक एंट्री इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स जिसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए दिया जा रहा है। तो वी एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट्स और सजेशंस प्लीज़ फील फ्री टू पिंग इन द कमेंट सेक्शन, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।